वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है गाइस। आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपके साथ चिकनकारी जो कुर्तीज आती है वो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अदा ब्रांड को आप जानते ही हो, बहुत ही वेल नोन ब्रांड है। अमेजोन पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चिकनकारी कुर्तीज ये ब्रांड की आपको देखने को मिल जाएगी। और भी ब्रांड मैंने ट्राई की है गाइस, और एक्चुअली में हुआ ऐसा है कि मैंने ऑर्डर तो सारे का साथ में किया था और भी बहुत सारी चिकनकारी कुर्तीज मैंने ऑर्डर की है, लेकिन मुझे जितनी रिसीव हुई है उतने का आज मैं हॉल कर देती हूँ। बाकी का मैं पार्ट टू बनाऊंगी जो मुझे रिसीव हो जाएगी उसका। तो चलो अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे हॉल्स करती हूँ, तो मेरी चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे अफोर्डेबल कुर्ता प्लाजोज अंडर 500 अंडर 300 भी किए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। मेरी जो हाइट है वो 5'3" है और मैं मोस्टली एल साइज लेती हूँ, आपको हेल्पफुल रहे उसके लिए मैं बता देती हूँ। और दूसरी बात है कि ये जो है इसकी प्राइस और ब्रांड मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। सबसे पहले तो ये जो है वो अदा की है, रेड कलर की चिकनकारी कुर्ती है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी है। और अदा ब्रांड बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी अमेजिंग होती है। अगर आप लखनवी चिकनकारी जो कुर्तीज आती है वो बहुत पहनने का मतलब कि आपको शौक है या लवर है, तो वो आप अदा ब्रांड को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और ये वाली पैटर्न है वो एवरग्रीन पैटर्न है गाइस, कभी भी इसकी फैशन है वो जाती नहीं है। रेड कलर की है, इसका फैब्रिक है वो फॉक्स जॉर्जेट टाइप का है। इसके अंदर लाइनिंग पहननी पड़ेगी जो मैंने बाय की है, मैं बताती हूँ दिखाती हूँ आपको पूरी ऊपर से नीचे तक इसका नेक इस टाइप का है। इसकी स्लीव जो है इस टाइप की है, इसमें भी बहुत सारे कलर अवेलेबल है, मैंने रेड वाला ट्राई किया है, ब्लैक कलर भी है इसमें आई थिंक, ऊपर से नीचे तक आप देख लो, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। पीछे से आपको दिखा दूं मैं, पीछे से भी इस टाइप की है पूरी ऑल ओवर, थ्रेड वाला एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है व्हाइट कलर का, बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद तो और भी प्यारी लगती है। इसके साथ मैंने पहनने के लिए एक मैंने व्हाइट कलर की लाइनिंग ली है गाइस, वो भी दिखा दूं, और एक मैंने ब्लैक कलर की लाइनिंग ली है, दोनों कॉम्बो में आया है, ठीक है। अदा का ही लिया है 600 अराउंड में, व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बो में था, तो उसकी भी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी ली है मैंने, ये ब्लैक कलर की है, ये कॉटन की है, तो आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी इस तरह की पूरी। और इसके साथ कॉम्बो में व्हाइट कलर लिया है, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक आप ले लेते हो तो हर कुर्ती में चला जाता है इजीली। और ये एक व्हाइट कलर की ली है, दोनों अदा ब्रांड की है और दोनों कॉटन है, तो इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो, वो टाइप की है। उसके बाद जो मैंने लिया है वो दूसरी ब्रांड है, उसका मैंने ट्राई किया है, मैं आपको दिखाती हूँ उसका भी। यहाँ पे ये बिल वगैरह आया है साथ में, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें बहुत सारे कलर है। ये ब्रांड है, इसका मैंने और भी मंगाया है, आने वाला है, सो पार्ट टू में स्टे कनेक्टेड गाइस। ये अंगरखा स्टाइल में है, येलो कलर की है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है पहनने के बाद, इस टाइप की है। इसकी जो स्लीव है ऐसी है, एल्बो तक जाएगी, इसमें भी बहुत सारे कलर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो अमेजोन पे। ये अंगरखा स्टाइल में बहुत प्यारी है, बहुत हैवी लुक देती है ऊपर से नीचे तक आपको दिखा। और ये अनारकली है गाइस, तो पहनने के बाद बहुत प्यारी लगेगी, अनारकली पैटर्न में है। बैक साइड भी आपको दिखा दूं मैं, बैक साइड भी सेम ऐसी ही ऑल ओवर प्रिंट दी गई है, ऐसी मतलब प्रिंट नहीं, एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो व्हाइट वाली, देखो बहुत प्यारा है। इसमें बहुत सारे कलर थे, इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, पिंक कलर अवेलेबल है, बहुत सारे व्हाइट कलर अवेलेबल है, तो आप जाके डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हो। और गाइस आपने देखा आपको मतलब कौन सी वाली चिकनकारी में ज्यादा पसंद आई है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और पार्ट टू भी इसका आने वाला है, सो स्टे कनेक्टेड। उसमें तो मैंने बहुत सारा कुर्ता प्लाजो भी लिया है चिकनकारी, और कुर्तीज भी ली है, बहुत सारा लिया है। सो स्टे कनेक्टेड। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।